खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। आयुर्वेद में ओजस को शरीर ताकत और मेंटल स्ट्रेंथ की दृष्टि से समझाया गया है, वहीं राजयोग में स्वामी विवेकानंद ओजस को अट्रैक्शन, कॉस्मिक इंटेलिजेंस और नर्व करेंट्स की दृष्टि से समझाते हैं। शुरुआत करते हैं आयुर्वेद की शारीरिक दृष्टि से। जैसे पेड़ की डंडी तोड़ने पर या पत्ती काटने पर उसके अंदर से दूध रिसता है, वैसे ही हमारे शरीर की नसों और कोशिकाओं में बहने वाला सबसे सूक्ष्म तत्व है ओजस। इसलिए आयुर्वेद में ओजस को शरीर का प्राकृतिक शहद भी कहते हैं। डॉक्टर वसंतलाल कहते हैं कि जिस व्यक्ति का ओजस अच्छा होता है उसकी चाल में स्फूर्ति होती है, आंखों में चमक होती है और वह बहुत मुश्किल से बीमार पड़ता है। मानसिक दृष्टि से ओजस मन का सूक्ष्म रूप है। मन में से सारी खराबी और डिस्टर्बेंस निकाल दिए जाए तो जो तत्व बचता है वो है ओजस। एक और कंसेप्ट समझिए, ओजस तेजस और प्राण। अगर ओजस घी है तो तेजस घी से पैदा हुई अग्नि और प्रकाश है। हमारे अंदर तेजस की अग्नि गर्मी, उत्साह, फोकस और इच्छा शक्ति का रूप लेती है और प्राण शक्ति अग्नि से पैदा हुई बिजली है। इसलिए ओजस को सर्वश्रेष्ठ शक्ति कहा गया है, क्योंकि ओज से तेज और तेज से प्राण पोषण लेते हैं। मेंटल क्लैरिटी और हाई मेंटल स्टेट, जितना ओजस होगा उतनी मात्रा में तेजस बनेगा और प्राण शक्ति में बदलेगा। ओजस शरीर को पोषण तो देता ही है, साथ में मेंटल और फिजिकल एंड्योरेंस यानी मानसिक धैर्य और स्थिरता भी देता है। शक्तिशाली मन ही संदेह रहित हो पाता है और ऊपर उठ पाता है। जब ओजस प्रचुर मात्रा में होता है तब इंसान का मन धैर्यवान और अचल होता है, यानी मेंटल टफनेस ज्यादा होती है। सर्वाइवल मोड, जिस इंसान में ओजस कम होता है वो हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है, उसमें कोशिश करने का मेंटल स्टेमिना नहीं होता, वो मन ही मन दूसरे पर निर्भर होता है। जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज से शुक्र यानी स्पर्म नष्ट होता है और ओजस तेजस और प्राण तीनों शक्तियां कमजोर होती हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म तो विचार का शारीरिक रूप है, एक्शन इज ओनली द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट। अगर शुक्र शरीर से बाहर नहीं निकल रहा लेकिन यौन संबंधी विचार मन को बार बार परेशान कर रहे हैं या चिंता जलन जैसे विचार परेशान करते हैं तो भी ओज नष्ट होता है, जिससे तेज और मेंटल फोकस भी कम होता है। यानी हमारे विचार भी हमारे एक्शन जैसे फोकस्ड होने चाहिए। अगर विचार और कर्म के द्वारा सेक्सुअल सेंटर्स की शक्ति व्यर्थ न की जाए तो वो आसानी से ओजस में बदलती है। पावर ऑफ अट्रैक्शन, स्वामी जी कहते हैं कि जो इंसान ओजस से भरा होता है वो अपने आप ही लीडर होता है। द मैन हु हैज मच ओजस इज द लीडर ऑफ मैन। राजयोग में स्वामी जी कहते हैं ओजस व्यक्तित्व को चुंबक समान आकर्षक बनाता है। इट गिव्स अ ट्रेमेंडस पावर ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सही घटनाएं, सही लोग अपने आप आने लगते हैं। कॉस्मिक इंटेलिजेंसेस, स्वामी जी कहते हैं कि सब जीव एक शक्ति से जुड़े हुए हैं, जिसे हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस इंसानी शरीर में सर से प्रवेश करती है और नर्व करेंट्स का रूप लेती है, फिर सर से नीचे बहते हुए मूलाधार चक्र में आ जाती है और यहाँ नर्व करेंट्स सुपर कॉन्शियसनेस खोकर सेक्सुअल पावर का रूप ले लेती हैं। प्रकृति की रचना ही ऐसी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन या प्रजनन हर जंतु के शरीर का स्वभाव है। स्वामी जी कहते हैं कि ओजस की विचित्र बात है कि ओजस इन करेंट से सबसे आसानी से बनता है, जो सेक्सुअल पावर के रूप में प्रकट होती है। और सेक्सुअल पावर केवल वीर के रूप में खर्च नहीं होती, पवित्र विचार भी उतने ही जरूरी हैं। नेगेटिव थिंकिंग जलन से भी ओजस नष्ट होता है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे ओजस ऊपर उठता है वैसे एनर्जी सेंटर्स यानी चक्र सक्रिय होने लगते हैं और इंसान का चेतना स्तर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे इंसान का चेतना स्तर बढ़ने लगता है वैसे वैसे इंसान अपने विचारों के प्रति सचेत होने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि इसलिए इंसानी जन्म इतना कीमती है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से आप क्रिएशन को आदि से अंत तक जान सकते हो। स्वामी जी कहते हैं कि जब ओजस पिनियल ग्लैंड यानी सहस्रार तक पहुंच जाता है उसके बाद वो ना शरीर है ना मन है, वो पूरी तरह मुक्त हो जाता है। अगर इंसान तेज बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान रखते हुए भी अपने मन और कर्म को नियंत्रित नहीं रखेगा तो वो निचले तीन चक्रों से शक्ति खर्च करता रहेगा
ऐसा इंसान सब कुछ जानते हुए भी हमेशा कंफ्यूज रहेगा और जीवन के किसी भी स्तर शरीर मन और चेतना पर उसकी तरक्की नहीं होगी। ओजस कैसे बढ़ेगा? स्वामी जी कहते हैं कि केवल पवित्र स्त्री और पुरुष ही इस शक्ति को ऊपर उठाकर ओजस में बदल सकता है। इसलिए मानसिक और शारीरिक शुद्धता हर धर्म में सबसे बड़ा गुण माना गया है। अगर इंसान को लगता है कि वो अशुद्ध है तो वो मानसिक शक्ति और मॉरल स्टैमिना खो देता है। हमारे अंदर कितना ओजस है? आयुर्वेद के हिसाब से दो आसान लक्षण हैं। पहला, सुबह जीभ साफ और गुलाबी रहती है। दूसरा, सुबह जागने पर तरोताजा महसूस होता है। इसके अलावा आप अधिकतर खुश और प्रफुल्लित रहते हो और चेहरे पर चमक रहती है। शरीर में ओजस कम होने पर दो लक्षण सबसे आसानी से पहचाने जा सकते हैं। पहला, सामान्य मेहनत में भी थकान होती है। दूसरा, बार बार सर्दी जुकाम होता है। ओजस बढ़ाने के लिए कुछ बातें नोट करिए। सबसे पहले ताजे भोजन को प्राथमिकता दीजिए। दूसरी, आयुर्वेद में ओजस के लिए सर्वोत्तम पदार्थ गाय का घी बताया गया है। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स, गाय का कच्चा दूध, ताजी पत्तेदार सब्जियां, फलों में केला भी ओजस बढ़ाने में सहायता करता है। तीसरी बात, तुलसी के पत्ते, करी पत्ता, आंवला जैसे सामान्य रूप से मौजूद पदार्थ भी ओजस बढ़ाने में सहायक हैं। शराब, सफेद शक्कर, रिफाइंड या फ्रोजन फूड्स, तले पदार्थ और बासा खाना, इन सबको पचाने में, शरीर को क्षारीय बनाने में शरीर को काफ़ी शक्ति लगानी पड़ती है, जिससे ओजस कम होता है। पांचवी बात, डाइजेस्टिव फायर यानी पाचन शक्ति जितनी मजबूत होगी उतना ही आप आसानी से खाना पचा पाएंगे, उतना शरीर में ओजस बढ़ेगा। ध्यान और प्राणायाम करने से मन शांत होता है और मन में ओजस पुनर्जीवित होता है। इसलिए जो लोग ध्यान करते हैं, जीवन में छोटे मोटे बदलाव लाते हैं, उनको बहुत लाभ होता है। ओजस और ध्यान, जैसे जैसे ओजस बढ़ता है वैसे वैसे इंसान का ध्यान गहरा होने लगता है, उसे अपने अंदर आनंद महसूस होने लगता है। इंसान जल्दी उत्तेजित और परेशान नहीं होता। जिस इंसान में ओजस उचित मात्रा में है उसे खुद को खुश करने के लिए किसी एडिक्शन की जरूरत नहीं होती। ऐसा इंसान बेहिचक अपने सारे काम करता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर किसी देश को कमजोर करना है तो उसके नौजवानों को थोड़ा सा गुमराह कर दो, खान पान और ऐसी आदतें डाल दो जिससे उनका ओजस अपने आप कम होता रहे। ये नौजवान ना खुद पर विश्वास कर पाएंगे, ना कुछ करने की इच्छा बचेगी और ना कभी मानसिक शांति मिलेगी। आज अमेरिका जैसे देशों में भोगवादी और मटीरियलिस्टिक जीवन के कारण अधिकतर जनता का ओजस गिर चुका है। इसलिए वहां 30-40% जनता को मानसिक बीमारियां और डिप्रेशन की समस्या है। समरी में स्वामी जी कहते हैं, हमेशा याद रखो, सवाल केवल रूपांतरण का है। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हर इंसान एक ही शक्ति से जुड़ा हुआ है। वही एक शक्ति उसके शरीर और मन में कई तरह से प्रकट होती है। ओजस नर्व करंट से बनता है। नर्व करंट्स यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस। यही एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो सबके शरीर में ओज, तेज और प्राण का रूप लेती है। ओजस घी है तो तेजस घी से पैदा हुई अग्नि और प्रकाश है, और प्राण अग्नि से पैदा हुई बिजली है। मन में सारी खराबी और डिस्टर्बेंस निकाल दिए जाएं तो जो तत्व बचता है वो है ओजस। ओजस इज इक्वल टू मेंटल स्टैमिना। ओजस से इंसान का मन धैर्यवान और अचल होता है, यानी मेंटल टफनेस बढ़ती है। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म तो विचार का शारीरिक रूप है। अगर थॉट और एक्शन के द्वारा सेक्सुअल सेंटर्स की शक्ति व्यर्थ ना की जाए तो वे आसानी से ओजस में बदलती हैं। ओजस बढ़ाने के लिए ताजे भोजन को प्राथमिकता दीजिए। शराब, सफेद शक्कर, रिफाइंड या फ्रोजन फूड्स, तले पदार्थों और बासे खाने से दूर रहिए। डाइजेस्टिव फायर का ध्यान रखिए और ध्यान और प्राणायाम से मन में ओजस को पुनर्जीवित कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मन की असीम शक्तियों पर स्वामी विवेकानंद जी के लेक्चर पावर्स ऑफ माइंड पर अगला वीडियो जरूर देखिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।